इतने सारे बर्तन हो गए यार, इनको देख देख के मेरा इनको फोड़ने का मन कर रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, बस क्या बताऊँ आपको। अभी उठा मैं थोड़ी देर पहले, बताऊँगा टॉपिक क्या है वो क्या नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले खड़ा उठा, अभी करीबन 8 बज रहे हैं और आज का कुछ ऐसी बातें करूँगा इससे आपका मन खुश हो जाएगा, दिल भी खुश हो जाएगा। तो भाई अभी मैं लेटा हुआ हूँ और ये मेरा कमरा देख सकते हैं आप कैसा है। ये मेरा कमरा है, उधर सामने किचन है और इधर ये बाहर का दरवाज़ा है। यहाँ पे मैंने फ्रिज लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई प्लग नहीं था लगाने के लिए, तो यहीं पे प्लग था वहीं पे मैंने फ्रिज लगा दिया। इन्वर्टर देखो मैंने ऊपर लगा दिया, वहाँ जहाँ कोई रखता नहीं इन्वर्टर वहाँ रख दिया, क्योंकि नीचे कम स्पेस है इसलिए मैंने ऊपर रख दिया, सेफ रहेगा। अभी मैंने इन्वर्टर की भी फिटिंग नहीं करवाई है, रिंग लाइट ऐसी पड़ी हुई है, कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और चलते अपने किचन में भाई। तुम्हें पता है यार लड़कों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लड़कों की उस दिक्कत होती है मैं बताता हूँ तुम्हें। क्यों सोचते हैं लड़के की यार शादी कर लें जल्दी, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई ये। कल रात को खाना बनाया बड़ी मुश्किल से, वैसे तो रोज मैगी बना लेते हैं लेकिन कल रात को खाना बनाया तो इतने सारे बर्तन हो गए यार, इनको देख देख के मेरा इनको फोड़ने का मन कर रहा है क्योंकि धोने का मन नहीं कर रहा। और इधर भी बर्तन उधर भी बर्तन, चाय के इसके उसके, तो ये दिक्कत है ना। दिक्कत तो नहीं है भाई पर क्या करें, जब लड़का वो होता है ना तो लड़के को बहुत आलस होता है इन चीज़ों को करने में। नौकरी तो कहीं भी कर लेगा वो, नौकरी में चाहे बर्तन भी धो लेगा लेकिन घर के नहीं धो सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई यही दिक्कत है सबसे बड़ी लड़कों की कि ये जो बर्तन है ना इनको कैसे धोए, है ना। धोने के लिए तो धो दूंगा लेकिन आलस बहुत हो जाता है इन चीज़ों को देख के, जैसे बर्तन धोने में खाना बनाने में। इसीलिए लड़के सोचते हैं जब कोई बाहर अकेला रहता है, कमरा लेके अकेला रहना पड़ता है, फिर वो सोचता है कि यार शादी शुदी कर लें। जब वो ये सोचता है कि घर वाले भी शादी नहीं करवा रहे, वो सोचता है चलो किसी लड़की से सेटिंग करके साला शादी कर लेते हैं और क्या है, देखी जाएगी जो होगा सो होगा। क्या पता तुम्हारा भाई वैसी कर ले, हो सकता है कुछ दिनों बाद आपकी भाभी आपको यहाँ बर्तन धोते हुए दिखे, खाना बनाते हुए दिखे। देखते रहो बस वीडियो को नहीं, चैनल में बने रहो क्योंकि आगे आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलने वाले हैं। चलो